हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी फिफ्टीन के होने वाले हैं सो अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा कंटेंट भी अच्छा लगता है तो भाई क्या कर रहे हो जल्दी सब्सक्राइब कर दो आज का वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाया है जहाँ हमने रूल्स को मॉडिफाई करके रिजल्ट इम्प्रूव किया था और उन्होंने ये नए वीडियो में ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया है और वही पुराना है उसमें सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वापस डाल दिया वीडियो सो so, जब आपका रिक्वेस्ट आया मैंने सोचा क्यों नहीं ठीक है लास्ट वीडियो पे इसके बहुत अच्छे व्यूज आए थे और व्यूज किसको नहीं पसंद ये बड़ी अच्छी बात कही आप सो टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस द्रैटेजी कॉल्ड एज ब्रह्मास्त्र ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटेजी हम इसको वर्जन टू बोलेंगे स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा ये स्ट्रैटेजी में उन्होंने थ्री इंडिकेटर्स यूज किया है सेम एज लास्ट टाइम सुपर ट्रेंड वीवैप और एमएसई तीनों लैकिंग इंडिकेटर हैं उनके हिसाब से आपको ये तीनों के कन्फर्मेशन से आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं ये स्ट्रैटेजी को हम इंडेक्स पे टेस्ट करेंगे आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि अगर आपको इसको और किसी में टेस्ट करके देखना है तो सिंस दिस इज अ इंडेक्स स्ट्रैटेजी तो आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं और उससे आइडिया लगाते हैं कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा तो इंटर के एकदम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं जहाँ हम ब्रह्मास्त्र ट्रिपल कन्फर्मेशन स्ट्रेटजी वर्जन टू प्रोवाइडेड बाय पुष्कर राज ठाकुर को टोटल हंड्रेड टाइम टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है सो हाई एवरी दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इन लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और निफ्टी या बैंक निफ्टी प्लॉट करेंगे सिंपली इधर ऊपर क्लिक करो निफ्टी या बैंक निफ्टी सर्च करो और उसको ऐड कर दो अब टाइम फ्रेम को हम फाइव मिनट्स कर देंगे अब इसके बाद ऊपर इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे और सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे और उसको ऐड कर देंगे अब इसके सेटिंग्स में जाके ए टी आर लेंथ को ट्वेंटी करेंगे और फैक्टर को टू करेंगे फिर ओके कर देंगे अब इसके बाद हम वापस ऊपर इंडिकेटर में जाएंगे और वीवेप सर्च करेंगे तो ये बिल्ट इन वाला फुल फॉर्म वाला आएगा आप इसको ऐड कर सकते हो अभी हम इसके भी सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल में जाके वीवैप अपर बैंड और लोअर बैंड को छोड़ के बाकी सब अन टिक करेंगे ये अपर बैंड और लोअर बैंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो मैं आगे बताता हूँ अभी इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और एम सर्च करेंगे और उसको ऐड कर देंगे अब इसके भी सेटिंग्स में जाएंगे और एम का लाइन को हम ग्रीन कर देंगे और सिग्नल लाइन को रेड कर देंगे और ओके कर देंगे ये कलर का प्रेफरेंस मेरे लिए है आप आपके हिसाब से रख सकते हो सो so, हो गया सेटअप रेडी लास्ट वीडियो हमने बी के लिए टेस्ट किया था बट आज हम इंट्राडे के लिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो में इंट्राडे के लिए ही बताया ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो जैसा ही है सिर्फ स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का मेथड चेंज किया है उन्होंने रूल्स पे चलते फर्स्ट सुपर ड्रेन शुड बी ग्रीन फिर कैंडल शुड टच और बी बिलो द वीवैप जोन लास्ट टाइम हमने सिर्फ बोला था कि कैंडल वीवैप के जोन को टच करना चाहिए बट इस बार उन्होंने ये भी बोला कि अगर वीवैप के नीचे रहा और बाय एंट्री सिग्नल मिल रहा है तो वीवैप के पास बहुत तेजी से जाएगा इसके लिए हम उसके नीचे वाले को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि उनके हिसाब से हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है फिर एम एस सी डी ग्रीन लाइन शुड क्रॉस रेड लाइन फ्रॉम बिलो लास्ट टाइम हमने बोला था कि ये क्रॉस ओवर जनरली जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए ऐसा बोल के हमने उनको जस्टिफाई किया था कि हो सकता है वो ये बताना भूल गए हो और उन्होंने एग्जाम्पल भी वैसे ही कवर किया था बट इस वीडियो में उन्होंने जीरो लाइन के ऊपर भी एग्जाम्पल्स दिखाए हैं सो हम वैसे ही टेस्ट करेंगे हाँ एक और चीज़ ये जो ऊपर सुपर ट्रेंड जो ग्रीन होना चाहिए और एमएससीडी का सिग्नल क्रॉसओवर होना चाहिए इन दोनों के बीच अगर दोनों एक टाइम पे ही होता है तो मोर देन गुड है बट अगर समझो कि पहले सुपर ट्रेंड हुआ फिर एमएससीडी हुआ तो भी चलेगा बट वो कैंडल का डिफरेंस चार या पांच कैंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर समझो मैग एमएसईडी पहले हुआ और उसके चार या पांच कैंडल के, के अंदर सुपर ट्रेंड भी ग्रीन हुआ तो हम एंट्री ले सकते हैं और उसको ट्रिगर मान सकते हैं बट अगर समझो कि वो पांच या छह कैंडल के ऊपर है तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे सो एंट्री वुड बी एट द हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस लो ऑफ द कैंडल क्लोजिंग बिलो द सुपर ट्रेंड और द ट्रेंड चेंज अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में सबसे पहले बोला कि आपको सुपर ट्रेंड को अपने स्टॉप लॉस कंसिडर करना है फिर बोला देखिए जैसे यहाँ पर सुपर ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होता है और ये कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुआ तो हम तभी एग्जिट नहीं करेंगे हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करता है कि नहीं अगर उसका लो ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे इसलिए हमने रूल में ऐसा बोल दिया कि लो ऑफ द कैंडल क्लोजिंग बिलो द सुपर ट्रेंड और ट्रेंड चेंज अब टारगेट इसमें भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है फर्स्ट प्रॉफिट जब एम सिग्नल लाइन को ऊपर से वापस क्रॉस करके नीचे चले जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम तब हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे प्रॉफिट टू जैसे ही आपका ऊपर स्टॉप लॉस हिट होगा सेकेंड तो आपको वहां पर पूरा प्रॉफिट बुक करना है दैट इज लो ऑफ द कैंडल क्लोजिंग बिलो द सुपर ट्रेंड और ट्रेंड चेंज चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहां देखिए सुपर ट्रेंड ग्रीन है कैंडल वी के जोन को टच कर रहा है और जस्ट इधर एमएससीडी में क्रॉस ओवर आया है और ऊपर गया है सो so हम एंट्री कैंडल के पे एंट्री लेंगे इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्रॉस ओवर का वेट करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एम एस सी का वापस क्रॉस ओवर आया है तो रूल के हिसाब से हम यहाँ पर अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर उसके बाद जैसे ये कैंडल पे देखिए सुपर ट्रेंड का ट्रेंड चेंज हो गया है सो तो हम इसके लो पे इसका स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे कोई बात नहीं ये वाला एग्जाम्पल लॉस था चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड ग्रीन है कैंडल वीवेप के जोन को भी टच कर रहा है और जस्ट एम का भी इधर क्रॉस ओवर हुआ है और ऊपर गया है सो हम इस कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे और फिर हम वेट करेंगे जैकि यहाँ पर एक वापस एक क्रॉस ओवर दिया है एम में सो रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पर अपना पहला पार्सल प्रॉफिट बुक कर लेंगे फिर उसके बाद ये कैंडल पर जाके सुपर ट्रेंड ने ट्रेंड चेंज किया है सो हम इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे बट नेक्स्ट कैंडल वो प्राइस पे आया ही नहीं और वापस ऊपर चला गया उसके कुछ टाइम बाद आप देखो सुपर ट्रेंड वापस ग्रीन हो गया सो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू ही रखेंगे फिर यहाँ जाके वापस सुपर ट्रेंड ने अपना ट्रेंड चेंज किया और रेड हो गया सो ये नया जो कैंडल बना है इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे अब कुछ कैंडल बाद देखो जस्ट यहाँ पर उसने ब्रेक किया सो हम हमारा फुल पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे एंड दिस वाज अ विन आई होप ये ऊपर के एग्जांपल्स क्लियर है आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ आउट आउट टू चार्ट प्राइम वो आर टूडेज वीडियो स्पॉन्सर जिनको नहीं पता चार्ट प्राइम इज़ अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई या सेल के टिप्स देने वाले सर्विसेज नहीं है इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल को एडिशनल कन्फर्मेशन की तरह यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में ये आपको पांच इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो जैसे उनका एक इंडिकेटर है चार्ट प्राइम ऑसिलेटर करके अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनका ये वाला इंडिकेटर ज़रूर एक्सप्लोर करना क्योंकि आई फील दिस इज अ पावरफुल इंडिकेटर इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी है इस ऑसिलेटर में उन्होंने बहुत सारे बैरिश या बुलिस सिग्नल को एक साथ क्लब कर दिया है जैसे ये माइक्रो ओवरबॉट और ओवरसेल रीजन ये ट्रेंड डॉट्स ये रेगुलर या फिर हिडन डिवर्जन दिख जाता है आपको या फिर ये रिवर्सल वार्निंग हुआ और ये माइक्रो बैंड हुआ एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें इसमें जिसको आप क्लब करके एक पावरफुल स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो अब सेटिंग्स में देखिए यहाँ इतने सारे फीचर्स हैं ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट फॉर एवरी और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता कि आपको हमेशा वैसा बना के देगा बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं सो आई वुड एडवाइज़ टू टेक देयर वन मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट योर सेल्फ और जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है कर लो अगर अच्छा लगता है तो ही कंटिन्यू करो वरना मत करो कौन फोर्स करता है और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा और अगर आपने वो लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आपको फोर्टी परसेंट तक ऑफ मिल जाएगा इनका प्रोडक्ट्स में सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड मेक श्योर टू चेक आउट प्राइम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन मेरा कोड यूज करोगे तो आपको उनका प्रोडक्ट फोर्टी परसेंट तक डिस्काउंट में मिल जाएगा चलिए अब रूल्स फॉर सेल सेटअप देखते हैं सो फर्स्ट सुपर ट्रेंड शुड बी रेड फिर कैंडल शुड टच और बी अबाउट द वैप जोन फिर सिग्नल रेड कैंडल शुड क्रॉस द एम ग्रीन कैंडल फ्रॉम बिलो उसके बाद एंट्री वुड बी लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस हाई ऑफ द कैंडल क्लोजिंग अबाव द सुपर ट्रेंड और ट्रेंड चेंज ये भी बाय रूल जैसा ही जैसे आपको सुपर ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होता है जैसे ये कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने अपना ट्रेंड चेंज किया सो so, इस कैंडल के हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और अगर नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो हम स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे और टारगेट इसमें भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही है फर्स्ट प्रॉफिट व्हेन सिग्नल लाइन क्रॉस इज द एमएसडी फॉर द फर्स्ट टाइम और प्रॉफिट टू आपका जैसा स्टॉप लॉस हिट होगा दैट इज हाई ऑफ द कैंडल क्लोजिंग अवॉर द सुपर ट्रेंड और ट्रेंड चेंज चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बैंक निफ्टी में यहां देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड रेड है और कैंडल वीवेप के जोन को भी टच कर रहा है और जस्ट यहाँ पर हमें एमए का क्रॉस भी मिला है दैट इज रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर गया सो so, हम ये कैंडल के रो पे एंट्री लेंगे अभी इस कैंडल पे देखिए हमें कैमए सी का क्रॉसओवर मिला है सो so, यहाँ पर हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर उसके बाद सुपर ट्रेंड यहाँ पर जाके चेंज हुआ है और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दिया है सो so, हम इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे देखिए नेक्स्ट कुछ कैंडल्स में अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सो so, हम हमारा पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे चलिए आई होप स्ट्रेटी क्लियर है आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए अगर आपको स्ट्रेटी के बारे में और जानना है तो तो इस वीडियो को हम टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं सो टेस्ट ऐसे हुआ जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वाज 100 उसमें से 49 आर विन एंड 51 वाज लॉस सो विन रेट हुआ परसेंट, टोटल गेन इन अकाउंट वाज 25.7% और मैक्स ड्रॉडाउन इज माइनस नाइन पॉइंट सिक्स एंड कंटिन्यूस लूज इन रो इज ऑल्सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज वन पॉइंट नाइन फोर मंथ्स जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेटी इज प्रॉफिटेबल ट्वेंटी इज गुड ड्रॉडाउन भी ठीक है दैट इज नाइन पॉइंट नाइन टू परसेंट आई वुड स्टिल से हमारा लास्ट वीडियो जो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप वही फॉलो करो मेरे हिसाब से इन्होंने स्ट्रैटेजी को सिर्फ फालतू का कॉम्प्लिकेट किया है और कुछ नहीं एनी वेज कूडोस टू पुष्कर राज ठाकुर फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीधा मेरी बात या किसी की भी बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि कैसे काम करता है सो आई लाइट द स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द एटीन पोजिशन इन द लिस्ट यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाइक सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट अस बब्सक्राइबिंग टू द चैनल एडिटिंग द बिल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आई डी आपकी स्क्रीन पर होगा और अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीरो का लिंक डाल दूंगा हमसे अकाउंट ओपन करके आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो और अगर आपको ये वाली बैक्टेशनियन शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर किया है आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में ये भी जरूर बताना आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजी के वीडियोज भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बीन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो एंड शेयर सपोर्ट मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे सो सी यू नेक्स्ट टाइम